प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर सह आचार्य ई एफ एम एल बी एस राजकीय महाविद्यालय कोठपोतली आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड के ई एफ एम के पेपर सेकेंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कार्यशील पूंजी का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है कार्यशील पूंजी के प्रकार पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का अनुमान जिनमें विक्रय विधि प्रति गमन विश्लेषण विधि परिचालन चक्र अवधारणा शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि और प्रक्षेपी चिट्ठा विधि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड आदि के बारे में चर्चा करेंगे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी के अर्थ एवं अवधारणा की एक कंपनी अपने कोषों का दीर्घकालीन उद्देश्यों और अल्पकालीन परिचालन हेतु विनियोग करती है कंपनी की पूंजी का वह भाग जो उत्पादन की निरंतरता के लिए कच्चे माल का न्यूनतम स्कंद भावी मांग की पूर्ति हेतु निर्मित माल का न्यूनतम स्कंद मजदूरी एवं कर्मचारियों का निर्माणाधीन अवधि का वेतन एवं मजदूरी तथा बैंक में न्यूनतम शेष के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं इन सभी संपत्तियों जो कि चालू संपत्तियां कहलाती हैं इनमें लगने वाली पूंजी कार्यशील पूंजी कही जाती है इस पूंजी का विनियोजन काल के लिए नहीं होकर अल्पकाल के लिए होता है इसलिए इसे अल्पकालीन पूंजी चक्रशील पूंजी अथवा तरल पूंजी आदि नामों से भी जाना जाता है अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल के लिए डे टू डे ऑपरेशन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल देखिए शाब्दिक दृष्टि से तो कार्यशील पूंजी सब दो शब्दों कार्यशील तथा पूंजी से मिलकर बना है व्यापार एवं उद्योग में कार्यशील से आशय है व्यापार के दिन प्रतिदिन के संचालन में पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में संचालित होने से है जबकि पूंजी सबसे आशय व्यावसायिक संपत्तियों मूर्त एवं अमूर्त के मौद्रिक मूल्य से है इस प्रकार कार्यशील पूंजी से अभिप्राय व्यवसाय की कुल संपत्तियों के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है किंतु कार्यशील पूंजी की इस व्याख्या से सभी एक मत नहीं हैं कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय के संबंध में विभिन्न लेखापालों वित्तीय प्रबंधकों उपक्रमियों तथा अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद रहे हैं अतः कार्यशील पूंजी का वास्तविक अर्थ एवं आशय समझने के लिए कार्यशील पूंजी की विभिन्न अवधारणाओं को समझना आवश्यक है कार्यशील पूंजी की निम्न दो प्रमुख अवधारणाएं हैं चिट्ठा या परम्परागत अवधारणा और दूसरे दूसरा है परिचालन चक्र अवधारणा चिट्ठा या परम्परागत अवधारणा इस अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी किसी निश्चित समय बिंदु पर संस्था की स्थिति दर्शाती है इसकी गणना निश्चित तिथि को बनाए गए चिट्ठी के, के आधार पर की जाती है इस दृष्टि से कार्यशील पूंजी दो प्रकार की मानी जाती है नंबर वन सकल कार्यशील पूंजी ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल हम बात करते हैं सकल कार्यशील पूंजी की संस्था की चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात चालू संपत्तियों से आशे उन संपत्तियों से है जिन्हें लेखांकन वर्ष के एक वित्तीय वर्ष की अवधि में में परिवर्तित किया जा सकता है इनमें कैश एंड बैंक बैलेंस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेटर्स बिल्स रिसीवेबल्स शॉर्ट टर्म लोन एंड एडोन्सेस स्कंद सामग्री जिसमें इस कंध में रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स सभी को शामिल करते हैं आदि सम्मिलित हैं। इस विचारधारा के समर्थक मॉड बैंकरफील्ड बॉनविले जेस मील तथा एडम स्मिथ आदि हैं इनके अनुसार व्यवसाय की चालू संपत्तियाँ चाहे इनकी व्यवस्था दीर्घकालीन पूंजी से की जाए अथवा अल्पकालीन पूंजी के द्वारा सभी कार्यशील पूंजी में आती हैं इसलिए चालू संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी होती है इस सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा के अनुसार सकल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां पूंजी का परिमाणात्मक पहलू क्वांटिटेटिव अप्रोच है जो पूंजी के गुणों के स्थान पर मात्रा पर अधिक बल देता है सकल कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक कोषों के बारे में जानकारी देती है किंतु यह संस्था की वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाने में असफल है क्योंकि चालू दायित्वों की प्रत्येक वृद्धि सकल कार्यशील पूंजी को कम करती है प्रबंध के दृष्टिकोण से यह उदाहरण अधिक उचित है क्योंकि प्रबंध अपनी योजनाएं कुल चालू संपत्तियों के आधार पर ही तैयार करता है चालू संपत्तियां परिचालन हेतु तो उपलब्ध कोषों का प्रतिनिधित्व तो करती हैं अतः है, प्रबंध का ध्यान चालू संपत्तियों की मात्राएँ उनकी लाभार्जन क्षमता पर ही रहता है आ, दूसरा प्रकार है शुद्ध कार्यशील पूंजी शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों चालू दायित्वों का अंतर अथवा चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य है अर्थात टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करेंट लाइबिलिटीज बराबर होता है नेटवर्किंग कैपिटल शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू दायित्व से से बाहरी व्यक्तियों के उन दावों से है जिनका लेखांकन वर्ष में भुगतान हेतु परिपक्व होने की संभावना होती है इनमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स बैंक और ड्राफ्ट और बकाया खर्चे सम्मिलित हैं जिस सीमा तक इन चालू दायित्वों के भुगतान में देरी की जाती है संस्था को उस अवधि के लिए कोषों की उपलब्ध संस्था को उस अवधि के लिए कोषों की उपलब्धि हो जाती है इसलिए चालू संपत्तियों को बनाए रखने के लिए एक भाग की पूर्ति चालू दायित्व से तथा शेष चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक की व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जाती है इसलिए शुद्ध कार्यशील पूंजी को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी एक संस्था की चालू संपत्तियों का वह भाग है जिसका अर्थ प्रबंधन दीर्घकालीन कोषों से किया जाता है चूँकि चालू दायित्व अल्पकालीन कोषों का प्रतिनिधित्व करते हैं अतः जब तक चालू संपत्तियाँ चालू दायित्वों से अधिक रहती हैं तब तक आधिक्य की दीर्घकालीन कोषों से व्यवस्था की जाती है यदि चालू संपत्तियों चालू दायित्वों की राशि समान हो तो कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाएगी इसके विपरीत यदि चालू दायित्व चालू संपत्तियों से अधिक है तो यह ऋणात्मक कार्यशील पूंजी कहलाएगी चा, आ, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य कार्यशील पूंजी का गुणात्मक पहलू है जो संस्था की तरलता स्थिति दर्शाता है साथ ही यह भी बतलाता है कि जिस ए, कि किस सीमा तक कार्यशील पूंजी का प्रबंध स्थायी कोषों से किया जा सकता है इस अवधारणा के अनुसार चालू लेनदारियों अल्पकालीन ऋण आदि में वृद्धि होने से कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि उतनी ही मात्रा में चालू संपत्तियों में वृद्धि हो जाती है अतः चालू संपत्तियों चालू दायित्व में अंतर पूर्व ही रहता है यह अवधारणा केवल लेखापालों विनियोजकों लेनदारों या उन व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है जिसका हित संस्था की तरलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता में होता है इसलिए बहुत से विद्वान इस विचारधारा को उचित नहीं मानते कार्यशील पूंजी की उक्त दोनों विचारधाराओं से स्पष्ट होता है कि इन दोनों में कार्यशील पूंजी के अर्थ में मतभेद नहीं होकर के केवल उनके परिमाण में मतभेद है शुद्ध अथवा गुणात्मक अवधारणा कार्यशील पूंजी के अर्थ को जहाँ संकुचित बना देती है वहाँ सकल अथवा परिमाणात्मक अवधारणा इसे व्यापक बना देती है इसी तरह व्यावसायिक दृष्टिकोण से सकल अवधारणा तथा लेखांकन दृष्टिकोण से शुद्ध अवधारणा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है इनकी नामावली या निर्दिष्ट अर्थ में भ्रम दूर करने के उद्देश्य सामान्य व्यवहार में शुद्ध कार्यशील पूंजी के लिए कार्यशील पूंजी तथा सकल पूंजी के लिए चक्रशील पूंजी या चल पूंजी शब्द का प्रयोग करते हैं वास्तव में शुद्ध अवधारणा का प्रयोग कार्यशील पूंजी की तुलनात्मक स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा सकल अवधारणा का प्रयोग कार्यशील पूंजी के लिए विभिन्न स्रोतों से कोषों की प्राप्ति व उनके प्रबंध के लिए किया जाता है इसके बाद है परिचालन दूसरा दूसरी जो अवधारणा है वो है परिचालन चक्र अवधारणा इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद